तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है, जो मैंने सबसे बड़ी समस्या जो फेस करी है, तो जो डॉग लवर है वो ज़्यादातर ये रिक्वायर करते हैं कि उनका डॉगी है जो गंदगी खाता है, गोबर खाता है, या जैसे सीमेंट मिट्टी वगैरह कंकर वगैरह खाता है। तो उस समस्या का समाधान आप कैसे करें और उसके लक्षण क्या है, वो खाता क्यों है, तो अब इस टॉपिक पे आप बात करेंगे। तो वीडियो ना लंबी करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो ये समस्या है, भाई आपका डॉग गंदगी खाता है, लकड़ी चबाता है, जूते चप्पल को खा जाता है, या उसको आपको कितनी भी डाइट दे लो उसको शरीर को लगती नहीं है, वो मोटा नहीं होता, तो इन सब समस्याओं का जो है एक ही इलाज है, वो है डीवार्मिंग। अगर आपने डॉग की आप डीवार्मिंग प्रॉपर टाइमिंग पे प्रॉपर वेट तोल के नहीं करोगे तो ये आपको समस्या फेस करनी ही पड़ेगी। तो डीवार्मिंग का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया क्या तरीका है। जो भी मैंने देखा है, बंदे अपने डॉग का अंदाजा लगा लेते हैं, भाई अंदाजे से मेरे डॉग का वेट 42 किलो होगा, या उसका 32 किलो होगा, या उसका 22 किलो होगा। तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी टेबलेट, जैसे अलमेंडा जो लगा लो जो आती है 10 किलो पे एक टेबलेट आती है, तो बंदे क्या करते हैं, भाई उसका 32 किलो वेट है तो उसको 3 टेबलेट दे देंगे, तो वो 2 किलो वेट कहाँ गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप डॉग को सिर्फ 4 टेबलेट दो, मतलब वेट से कम मत दो, ज्यादा टेबलेट दो। और दोबारा जब आप डीवर्मिंग करो तो पहले, जैसे आज डेट नोट कर लिया आपने, तो 15 दिन के बाद उसको डिवॉर्मिंग को रिपीट करो, जब जाके डॉग की प्रॉपर डिवॉर्मिंग होती है। तो जो ये समस्या है, इस समस्या का एक नुस्खा तो यही होगा जो आपने मैंने बताया, इसकी डिवॉर्मिंग करो। दूसरा जो है वो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने डॉग को है जो मैंने यूज किया हुआ है, सबसे पहले तो उसकी डाइट में टमाटर ऐड करो, कच्चा टमाटर। और दूसरा जो है, जैसे आप डॉग को घुमाने ले जाते हो, पार्क वगैरह में ले जाते हो, तो वहाँ वो जो ताज़ी ताज़ी घास आई होती है, उस घास के ऊपर ऊपर वाला पोर्शन खा के और उसको वोमिटी करते हैं उल्टा, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है, उससे भी अपना ये पेट साफ करते हैं, उससे घबराने वाली बात नहीं है। भाई हमारा डॉग घास खा के वोमिटी करता है, उससे डॉग को ऐसी प्रक्रिया करने से रोके मत। और जो है डॉग की डीवार्मिंग का टाइम आपको कैसे पता लगे, भैया अगर आपने डेट वगैरह नोट ना करी हो, अगर आपका डॉग का भाई पता कैसे लगा भी आपके डॉग को डीवार्मिंग की जरूरत है, तो उसके लक्षण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लक्षण जो होगा, डॉग की जो आंखें हैं, ये दो आंखों से ना यहाँ से डीड आएगी, आंखों में आपके डॉग को डीड लगी, जैसे पीप आती है ना, तो वैसी वैसी आपको यहाँ दिखने लग जाएगी, रेगुलर दिखेगी आपको। दूसरा, आपका डॉग सुस्त रहेगा, ठीक है। तीसरा, आपका डॉग को आप कितना भी खाना दे लो वो मोटा नहीं होएगा। ये छोटे छोटे सिम्टम है जिससे आप पता लग सकते हो भाई आपके डॉग को डीवार्मिंग की जरूरत है, और वो आप उसकी पीछा नहीं कर सकते हो, भाई आपका डॉग बाहर गंदगी खाता है, या वो लकड़ी चबाता है, या वो चप्पल चबाता है। ये सब लक्षण है जहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो भाई आपके डॉग को डीवार्मिंग की जरूरत है और उसकी डीवार्मिंग सही नहीं हुई है, ठीक है। वैसे तो कम से कम तो डॉग की डीवार्मिंग 3 मंथ में करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो भाई आपका डॉग हेल्थी रहे, बीमारियों से बचा रहे, मोटा तगड़ा हो, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप अपने डॉग की डीवार्मिंग प्रॉपर टाइम टू टाइम प्रॉपर वेट तोल के और कॉपी में स्पेशल डेट नोट करके और टाइम टू टाइम पे करते रहें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बने रहे हमारे चैनल के साथ अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। और ये फ्रेंड्स हमारा सिम्बा, बताओ इसकी रिकवरी, ये बेचारा पारो वायरस की चपेट में आ गया था, इसकी रिकवरी बताओ आप कैसी हो चुकी है। अब इसकी अब ये ट्रेनिंग पे चल रहा है, ये हो गया 3.5 मंथ का। सिम्बा, ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।